और ये हैं सारे वो बचपन के झूले, बहुत फैसिनेटिंग लगते थे ये। बिल्कुल नहीं समझ में आया। आई विल नॉट बी ईटिंग दिस। ये तो आए हुए हैं अवध मेला उत्सव। आइए चलिए टिकट लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। भैया दो टिकट दीजिएगा। हाँ जी आप जाइए। तो पहले तो हमको मीडिया पर्सन समझ के हमसे टिकट नहीं मांगी जा रही थी। हाय गाइस वेलकम टू सफर खाना, मैं हूँ प्रियांक। मैं आज आया हूँ लखनऊ महोत्सव के छोटे वर्जन में, यानी कि अवध मेला उत्सव। फरवरी में आपको याद होगा हम यहाँ पर आए थे इसी ग्राउंड में, तो हमने यहाँ पर देखा था अवध महोत्सव, तो उसी का एक छोटा वर्जन अवध मेला उत्सव यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं और स्पेशल मेरे फेवरेट झूले भी यहाँ पे हैं, तो सब चीज़ों को कवर करेंगे। ऐसे किसी महोत्सव में जाओ और भेलपूरी ना खाओ, ऐसा कहाँ होता है। तो मैंने हमेशा की तरह जैसे लखनऊ महोत्सव में मैं करता रहता था, यहाँ पर भी अपने लिए भेलपूरी बनवाई। मसाला आलू प्याज टमाटर चटनी और नमकीन मिलाकर बनी मसालेदार रसीली भेलपूरी। भैया एक टिकट दे दीजिएगा। जब ये झूला ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो उस टाइम पे दिल में कुछ हल्का सा यहाँ ऐसा लगता है ना कि कुछ हल्का सा कुछ ऊपर नीचे हुआ है, और वो मोमेंट एंजॉयबल होता है, बहुत एंजॉयबल होता है। और मेरे तो मेरे पीछे है मेरे फ्रेंड भंडारी, इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए किस तरह से भाग रहे हैं जी मुंह छुपा के, इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं झूला वाला झूलने में, तो फिर मैं अकेले ही जाता हूँ, इसीलिए मैं कोलंबस पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट झूला मेरे बगल में है, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। और ये जो झूले आप देख रहे हैं ये बहुत फैसिनेटिंग लगते थे, ये बचपन के झूले हैं। और ये यहाँ का मेन्यू है, आलू टिक्की दही वड़ा पानी पूरी है, तो भाई बहुत कुछ चीजें। ओके सर बढ़िया तरीके से। पनीर डोसा है? यस सर, नहीं ये मसाला डोसा है। अच्छा मसाला डोसा है, ऐसा ही जोशीला बनाते हैं। क्या बात है, ये सब इटावा के कारीगर हैं। ऑर्डर याद करने में परेशानी हो रही है, एक आलू टिक्की एक दही बड़ा एक सूजी के बताशे और एक पानी की बोतल। देखिए मुझे रटा हुआ है ऑर्डर, ये है आलू की टिक्की क्योंकि मैंने अभी बनते हुए उधर देखी है,
और ये हमारी है दही भल्ला दो प्लेट। अब आप ज़रा एक चीज़ को देखिए, ये दही भल्ले में क्या ये नमकीन पड़ा है। दही भल्ला जो मीठा होता है उसमें नमकीन पड़ी हुई। ये पूछ रहे हैं भाई ये दही भल्ले में क्या ये मतलब पापड़ी वगैरह डालते हो क्या ऊपर से दाल मोट नमकीन वगैरह? तो यार मतलब ये तो मीठा है, इसमें नमकीन साथ में आ जाता है। वही कह रहा हूँ मीठी चटनी है लेकिन नमकीन के साथ ना सब रंग बिरंगा स्वाद हो गया। दही भल्ला ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो पता नहीं इतना दही, ये जो बड़ा है ना ये बड़ा भी अच्छा नहीं है, थोड़ा कच्चा कच्चा है, साथ साथ इसमें नमकीन ही डाल के। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं टेस्ट के लिए जाता हूँ। ये टिक्की वाकई बहुत अच्छी है लेकिन ये उतना ही अजीब व गरीब है। आज तक मैंने जितनी चीज़ें फूड ब्लॉगिंग करियर में अपनी खाई हैं उनमें मैं बड़े कॉन्फिडेंटली इसको नीचे से नंबर वन अवार्ड दे सकता हूँ। तो हमने झूले झूल लिए, खाना खा लिया, आइए अब देखते हैं क्या क्या वहां पर एग्जीबिशन में क्या क्या लगा हुआ था। तो यहां पर 300 रुपए के एक बड़े नॉर्मल से खर्चे पर हमने झूले भी झूल लिए, खाना भी खा लिया और पूरी तरह से एंजॉय किया। तो अगर पूरे तौर पर बात करें, आप झूलों के शौकीन हैं तो एक बार जाना आपका बनता है, पर अगर आप इतने शौकीन नहीं हैं तो शायद आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को ना मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट से मुझको बताइए कि आपके यहाँ जाने के क्या प्लान्स हैं, और जुड़े रहिए सफ़रखाना के साथ।